नमस्कार एंड वेलकम एट हिंद गुरुकुल एडू 7. दिस इज चैप्टर 4 द होम कमिंग पार्ट 1. बिफोर दिस चैप्टर 1, 2 and 3 हैव बीन कवर ऑलरेडी, तो उसे जाकर जरूर देखिए. वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. धन्यवाद. टुडेज चैप्टर इज द 4th चैप्टर द होम कमिंग, रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो 4th चैप्टर है और ये है द होम कमिंग. और इसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. 1861 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में इनकी डेथ हुई थी. अबाउट द ऑथर, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ये फेमस पर्सन रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो इनके बारे में देख लेते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर द डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स वॉज बॉर्न इन कैलकटा, नाउ कोलकाता, ऑन 7 May 1861. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स रहे हैं, यानी कि ये अक्षरों के प्रतिष्ठित जो कहा जाता है, मतलब बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं अक्षरों के. कहने का मतलब कि इन ये जो लिखने में हैं बहुत ही अच्छे ऑथर माने जाते हैं, राइटर माने जाते हैं, इसके कहने का मतलब. इनका जन्म वॉज बॉर्न, जन्म हुआ था कहाँ? कैलकटा में, जिसको आज की डेट में कोलकाता जाना जाता है. और कब हुआ था? 7 May को इनका बर्थडे है, 1861 में. तो 7 May 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और इनको डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है, यानी कि ये अक्षरों के प्रतिष्ठित पर्सन है. ही गॉट हिज एजुकेशन एट होम, इन्होंने अपनी जो शिक्षा ग्रहण की कहाँ से की? अपने घर पर की. और थोड़ा सा ये भी बता दें कि इनके और भी भाई रहे हैं और सभी इनके जो भाई रहे हैं वो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे रहे हैं, मतलब एक अच्छी पोस्ट पे सभी रहे हैं. इनके कोई भाई जो हैं वो आर्ट पेंटर भी रहे हैं, जिसमें अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं या टैगोर के नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी काफ़ी फेमस रहे हैं. ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड नॉवेलिस्ट. तो जो टैगोर थे वो महान पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे, नॉवेलिस्ट दैट इज उपन्यासकार. ही इज अ वर्ल्ड फेमस फिगर, ही मतलब टैगोर जो हैं वर्ल्ड फेमस फिगर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये काफ़ी फेमस हैं. क्यों फेमस है? लेट्स सी. ही वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स. तो ये पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया था, किस फील्ड में? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में. और कब? 1913 में. और किसके लिए पाया था? इनके पोएम का कलेक्शन है, संग्रह है, कुछ पोएम्स के संग्रह है जिसका नाम है गीतांजलि. तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, कब? 1913 में. हिज फेमस वर्क्स आर गीतांजलि, द क्रेसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग एंड लवर्स गिफ्ट. तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं यहाँ पे, गीतांजलि है, द क्रेसेंट मून है, फ्रूट गैदरिंग एंड लवर्स गिफ्ट है, इन द नॉवेल्स गोरा, द रेक एंड द होम. और नॉवेल्स जो इनके फेमस है वो क्या है? गोरा है, द रेक है एंड द होम है. अब इन नॉवेल्स में क्या दिखाया गया है? हेयर वी सी हिज आइडियलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म. तो इन्होंने अपने नॉवेल गोरा, द रेक और होम में क्या दिखाया है? अपने आदर्शवाद को दिखाया है, अपने देशभक्ति को दिखाया है. द होम कमिंग एंड द काबुली वाला आर हिज फाइन शॉर्ट स्टोरीज विच गेव अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ. देखिए जो द होम कमिंग है, जो कि आपके इसी यही ये चैप्टर आपको पढ़ना है अभी, द होम कमिंग ही ये चैप्टर है जिसको आप पढ़ेंगे. और एक और स्टोरी है इनकी, द काबुली वाला. ये दोनों ही इनकी शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ जो है, मनुष्य के जीवन के बारे में काफ़ी समझ को विकसित किया गया है. काबुली वाला भी इनकी एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी में काउंट की जाती है, तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है. और इस काबुली वाला में इन्होंने क्या दिखाया? अपनी बेटी के बारे में दिखाया. और एक काबुली वाला होता है जो ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए कलकत्ता की गलियों में घूमता रहता है, तो उसी पर डिपेंड ये स्टोरी है काबुली वाला. लेकिन आपको पढ़ना क्या है? द होम कमिंग पढ़ना है.
ही वॉज नाइटेड इन 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, बट ही गेव अप द नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसाकर इन 1919। लेकिन जो नाइटहुड की उपाधि इनको 1915 में दी गई थी, इन्होंने 1919 में लौटा दिया, क्योंकि इतिहास में एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी और बहुत ही मतलब एक तरह से आलोचनात्मक घटना थी अंग्रेजों के द्वारा, वो था जलियांवाला बाग मसाकर। इसमें क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पंजाब में है, अमृतसर में, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग जो होते हैं वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं, और उसी स्ट्राइक में जो अंग्रेज़ है वो गोली चला देते हैं और हज़ारों लोग डेथ कर जाते हैं। तो इसी हत्याकांड की वजह से, मसाकर मीन्स होता है हत्याकांड, तो इसी हत्याकांड की वजह से इन्होंने 1915 में दी हुई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था 1919 में। ही वॉज ऑलवेज एड्रेस्ड एज गुरुदेव, ही डाइड इन 1941। तो हमेशा इनको गुरुदेव के रूप में जाना जाता था, यानी कि इनको लोग गुरुदेव कहते थे, इनको गुरुदेव के नाम से बुलाते थे, और इनकी डेथ होती है 1941 में। तो ये था टैगोर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का कि क्या है। अबाउट द लेसन, इन द होम कमिंग बाई रविंद्रनाथ टैगोर वी हैव द थीम ऑफ कंफ्लिक्ट, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड आइसोलेशन। तो देखिए यहाँ पे जो इनकी स्टोरी जिसे आप पढ़ेंगे, द होम कमिंग, इस ये रविंद्रनाथ की द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पे इन्होंने क्या प्रेजेंट करने की कोशिश की है, मतलब इस स्टोरी की विषय वस्तु, थीम मतलब होता है विषय वस्तु। तो इस कहानी की जो विषय वस्तु है वो क्या है, कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है द्वंद्व, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, लव मीन्स स्नेह प्यार, एंड आइसोलेशन मीन्स एकांतवाद। तो ये इनके, जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको इस स्टोरी में कन्फ्लिक्ट भी नज़र आएगा, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब एक तरह से लड़ाई झगड़ा नज़र आएगा आपको, कंट्रोल किसी का किसी के ऊपर नियंत्रण आपको दिखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्वाह करते हुए या ना करते हुए दिखाया जाएगा, और फिर किसी जो लव और है उसकी कमी दिखाई जाएगी, आइसोलेशन जो है कि सामने वाला कितना अकेला फील कर रहा है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा पूरी कहानी में। टेकन फ्रॉम हिज कलेक्टेड स्टोरीज कलेक्शन, द स्टोरी इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन बाय एन अननेम्ड नरेटर, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर रियलाइजेज दैट टैगोर मे बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, टेकन फ्रॉम हिज कलेक्टेड स्टोरीज कलेक्शन, ये जो स्टोरी लिया गया है द होम कमिंग, इनके स्टोरीज के जो कलेक्शन है उसमें से लिया गया है। द स्टोरी इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन, जो स्टोरी है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नरेट किया गया है, मतलब इस कहानी का वर्णन कौन करता है, थर्ड पर्सन करता है कोई। थर्ड पर्सन क्या होता है इंग्लिश में, ही सी इट दे क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो थर्ड पर्सन में ही इस स्टोरी को नरेट किया गया, वर्णन किया गया है, और किसके द्वारा, बाय एन अननेम्ड नरेटर, एक ऐसा नरेटर के द्वारा ये स्टोरी बताया गया है। इस स्टोरी का जो वक्ता है वो ऐसा नरेटर है जिसका कोई नाम नहीं है। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर रियलाइजेज, और जो कहानी की शुरुआत है वहीं से जो रीडर है, पाठक है, इस स्टोरी को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको रियलाइज होता है, उनको क्या रियलाइज होता है कि टैगोर मे बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, शायद जो टैगोर हैं कन्फ्लिक्ट की जो थीम है, यानी कि जो लड़ाई झगड़ा है उसकी जो विषय वस्तु है, उसको टैगोर यहाँ पे बताने की कोशिश करें, ऐसा लगेगा शुरू से ही। माखन वॉज लिसनिंग टू फटीक वेन ही टेल्स हिम टू गेट ऑफ द लॉग। अब स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है कि माखन वॉज लिसनिंग टू फटीक। फतीक और माखन इस स्टोरी में दो भाई होते हैं, फतीक बड़ा होता है, माखन छोटा होता है। माखन जो था वो अपने बड़े भाई फतीक को सुन रहा होता है। वेन ही यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, द नहीं रहेगा, ही रहेगा। वेन ही टेल्स हिम टू गेट ऑफ द लॉग, अब यहाँ पे फतीक माखन को कहता है कि तुम जो लकड़ी है, यहाँ पे लकड़ी रखा हुआ होता है जिस पर माखन आकर बैठ जाता है स्टोरी के स्टार्ट में ही, तो उस लकड़ी पर से उठने के लिए फतीक माखन को बोलता है। फतीक इज वन हु इज ब्लेम्ड फॉर हिटिंग हिज ब्रदर,
अब फतिंग जो है इसकी को ब्लेम किया जाता है, क्योंकि जब माखन उस लकड़ी पर से उठने से मना कर देता है, वो नहीं उठता है, फतिक की बात को नहीं सुनता है, तो फतिक और उसके साथ कुछ बच्चे होते हैं जो उसको एक तरह से गिरा देते हैं उस लकड़ी के ऊपर से। और इस तरह से पूरा ब्लेम किसके ऊपर जाता है, फतिक के ऊपर जाता है। एंड ब्रिंगिंग कॉन्फ्लिक्ट इनटू द होम, और फतिक की वजह से क्या हो जाता है, घर में लड़ाई हो जाता है, क्योंकि माखन घर पे जाता है और अपनी मदर को बताता है कि फतिक ने उसको मारा या दिस दैट किया। तो इस तरह से घर में भी फतिक और मदर के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और यहाँ तक कि फतिक माखन को मारता भी है घर पर भी गुस्से में। फतिक्स मदर लैक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज फतिक। अब फतिक के मदर के पास वो जिम्मेदारी नहीं होती है जिसकी जरूरत है फतिक के मदर के अंदर होना चाहिए, वो जिम्मेदारी फतिक को पालन पोषण के लिए। तो फतिक के पालन पोषण के लिए जो जिम्मेदारी उसके मदर के अंदर होना चाहिए वो नहीं है, उसकी कमी है। सी लाइक्स ही शुड गो टू कलकत्ता विथ हिज अंकल विशंबर। फतिक की मदर चाहती है कि जो फतिक है वो कलकत्ता चला जाए अपने मैटरनल अंकल विशंबर के साथ, यानी कि अपने मामा विशंबर जो हैं फतिक के मामा होते हैं, तो वो चाहती हैं कि फतिक अपने मामा के यहाँ चला जाए। फतिक्स स्कूल डेज इन कलकत्ता वर आल्सो मिजरेबल ओकेजन फॉर हिम। फतिक का जो स्कूल के दिन होते हैं कलकत्ता में वो बहुत उसके लिए अच्छा नहीं होता है, एक तरह से मिजरेबल होता है, दुखदाई होता है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में बहुत अपने आप को अकेला फील करता है, बाकी बच्चे उसको बहुत अवॉइड करते हैं, वो अकेला फील करता है, और लेटर ऑन बहुत उसको स्कूल में मार भी पड़ जाती है। द यूनिटी दैट फतिक हैड इन द विलेज ही डज नॉट हैव इन कलकत्ता। अब देखिए जो यूनिटी, जो एक तरह से एकता थी फतिक, जो एकता है वो फतिक के पास थी गांव में, यानी कि जब फतिक गांव में रहता था अपने, तो उसको एकता मिली हुई थी। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे जो थे उसके अंडर में एक तरह से उसको फॉलो करते थे, अंडर में नहीं कहेंगे, एक तरह से फतिक की बातों को मानते थे। लेकिन वो चीज़ ही डज नॉट हैव इन कलकत्ता। अब वो चीज़ जो यूनिटी उसको अपने गाँव में दिखी वो उसको कलकत्ता में नहीं दिखा। अ डिफिकल्ट रोल फॉर एनी 14-year-old बॉय टू प्ले, पर्टिक्यूलरली वेन दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट दैट दे नीड फ्रॉम एडल्ट अराउंड देम। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे स्टोरी में फतिक जो है, फतिक के अराउंड पूरी स्टोरी घूमती है। फतिक 14 ईयर का बच्चा होता है और उसका जो रोल होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जनरली इस एज में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो फतिक जो है उसको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, अपने मदर का नेगलेक्ट, जो नेगलेशन है वो फेस करना पड़ता है, मदर उसकी उसको हमेशा नेगलेक्ट करती रहती है। माखन जो उसका छोटा भाई उसको मानती, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा रहता है और जैसा जैसी उसकी मदर कहती है वो करता है, इसीलिए माखन को वो मानती है। लेकिन फतिक जो है थोड़ा शरारती बच्चा होता है, अपनी मदर की बातों को नहीं मानता, इसलिए मदर उसको नेगलेक्ट करती रहती हैं। तो प्ले पर्टिकुलरली वेन दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट दैट दे नीड फ्रॉम एडल्ट अराउंड देम। अब ये जो बच्चा है 14 ईयर्स का फतिक, इसका जो रोल है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको जो अपने बड़ों से, जो लोग उसके आसपास उसके बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, बड़े हैं उसके, उनसे जो सपोर्ट उसको चाहिए था वो सपोर्ट उसे नहीं मिल पाता है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम उसके साथ होती है। थोड़ा बहुत उसके मामा जो विशंबर हैं वो सपोर्ट करते हैं, बट उसकी मदर नहीं सपोर्ट करती हैं, और नहीं जब वो अपने मामा के घर जाता है तो उसकी मामी सपोर्ट करती हैं। फतिक मिस द विलेज इज नोटिसेबल बाय द फैक्ट दैट ही अटेम्प्ट्स टू वॉक होम टू द विलेज बट इंस्टेड मैनेजेस टू मेक हिमसेल्फ सिक। अब फतिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कोलकाता में, वो बिल्कुल उसे कोलकाता रहना पसंद नहीं होता है, तो वो क्या करता है, फतिक मिस द विलेज इज़ नोटिसिएबल। फतिक जो है अपने गांव पैदल जाता है, कोलकाता से चल देता है अपनी मामी के व्यवहारों की वजह से। तो उसकी जो मैटरनल आंट है, मामी है, उनका व्यवहार बहुत फतिक के प्रति अच्छा नहीं होता है, तो उसी वजह से वो अपने गांव जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जा पाता है। और बट इंस्टेड इमेजेस टू मेक हिमसेल्फ सिक, बल्कि वो विलेज जाने के बजाय, विलेज तो जाता है बट रास्ते में कंडीशन इतनी बारिश वगैरह हो जाती है, उसकी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है, तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो खुद बीमार पड़ जाता है और विलेज नहीं जा पाता है, मिस कर जाता है विलेज जाने का चांस।
द एंड ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एज इट बिकम्स क्लियर टू द रीडर दैट फतीक ड्यू टू हिज इलनेस इज डिल्यूजनल. थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस जो है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका क्या सेंस निकल के आ रहा है. तो जो स्टोरी का अंत है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये जो है जो रीडर है उनके लिए ये क्लियर हो जाता है स्टोरी के एंड में, ये रीडर को क्लियर हो जाता है कि फतीक की जो कंडीशन है, जो इलनेस है, वो एक तरह से भ्रमात्मक नहीं है. मतलब एक तरह से भ्रम तो लगता है कि उसकी जो इलनेस है एक तरह से वो भ्रम क्रिएट कर देता है. क्यों क्रिएट कर देता है? क्योंकि इट इज़ देयर वेयर द ब्लेम फॉर फतीक्स पर मैच्योर डेथ लेज. क्योंकि उसकी जो बीमारी है उसकी वजह से फतीक का समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है. मतलब उसकी बीमारी, अचानक वो बीमार हो जाता है और समय से पहले उसकी डेथ हो जाती है. और उसकी समय से पहले डेथ का रीज़न क्या है? वही बीमारी को लेकर जो भ्रम रहता है. नीदर वुमेन हैज़ सोन फतीक द लव ही डिजर्व एंड नीडेड. अब देखिए नीदर वुमेन मतलब कि दो वुमेन की बात की गई है. एक तो फतीक की मदर है और दूसरी फतीक की मैटरनल आंट, उसकी मामी है. तो दोनों में से किसी भी जो लेडी है उसका प्यार जो है फतीक को नहीं मिलता है, जिसे वो डिजर्व कर रहा था और जिसको उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि वो काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और वहाँ पे उन लोगों की हेल्प की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, मोटिवेशन की ज़रूरत थी, जो कि फतीक को नहीं मिलता है. द ऑथर पॉसिबली सजेस्टिंग दैट फतीक शुड नेवर हैव बीन टेकन आउट ऑफ द विलेज एनवायरमेंट ही वॉज यूज टू. अब एक तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे, तो ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि फतीक को उसके अपने गांव के जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, वातावरण है, वहाँ से उसे नहीं हटाना चाहिए था, जिसका कि वो यूज्ड टू था, मतलब हैबिचुअल था, आदती था. फतीक की आदत क्या थी? गांव के माहौल में रहने की आदत थी, गांव के पर्यावरण में, एनवायरमेंट में रहने की उसकी आदत थी. लेकिन उसको वहाँ से हटाकर कोलकाता भेज दिया गया, और जहाँ की वो बिल्कुल प्रिफर नहीं कर रहा था. कोलकाता में ऊँचे ऊँचे घर की दीवारें उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था. ही वॉज अ लवर टू नेचर बट ही एंडेड हिज लाइफ सराउंडेड बाई द वॉस ऑफ कैलकटा, दैट इज कोलकाता. अब जहाँ वो गांव पे रहता था, तो गांव में जब वो रहता था तो वो काफ़ी उसको नेचर के प्रति उसका लगाव था. लेकिन जब वो कलकत्ता आया तो उसको नेचर नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दी, बस ऊँचे ऊँचे घर दिखाई देते थे. तो उस तरह से उसने अपने जीवन को, जो कि नेचर के प्रति उसका बहुत झुकाव था, उसने अपने जीवन को कहाँ ख़त्म कर दिया? जो कलकत्ता है, दैट इज़ कोलकाता के दीवारों के बीच में उसने अपने जीवन को खो दिया. तो इस तरह से एंड में फतीक लॉस्ट